मेरे भाइयों, आज मैंने पाकिस्तान के एक मौलवी का वीडियो देखा, मुझे बड़ी बेचैनी सी हुई कि काला अमामा पहनकर कोई कैसे इस तरह से बयान दे सकता है और किसे खुश करने के लिए दे रहा है या किसके डर से ऐसी बात कह रहा है। मैं स्वामी सारंग एक हिंदुस्तानी हूं, ब्राह्मण हूं, सारस्वत ब्राह्मण हूं। आसमानी किताबों में जो लिखा है, रसूल खुदा की हदीसें हैं, आपकी किताबों में, शिया सुन्नी किताबों में मौजूद है, उसके बेस पर मैं कह रहा हूं। मैं लखनऊ जैसे इल्मी शहर से मेरा ताल्लुक है, हालांकि अब वो म्यार नहीं रहा लखनऊ का जो किसी जमाने में हुआ करता था, पर लखनऊ का म्यार इतना भी नहीं गिरा कि ये समझा जा सके कि मुमासिलत का मतलब क्या होता है। इसलिए मैं जवाब दे रहा हूं, मैं वहदत को मानता हूं। मैं जो कहना चाह रहा हूं यकीनन आप सुनेंगे भी और समझेंगे भी कि तरावी में हाफिजों को दिए जाने वाले पैसे और मजलिसों में दिए जाने वाले हदीये का जिस तरीके से उन्होंने जिक्र किया है, यह मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और मैं इसकी मजम्मत करता हूं। हर वो अमल जो हजरत अबू बकर के जमाने में और हजरत उमर हजरत उस्मान के जमाने में था, वो इजाफी था, यानी वो रसूल खुदा के जमाने में नहीं था, फिर हजरत अबू बकर के जमाने में और हजरत उमर हजरत उस्मान ने अपने जमाने में किया, उसके बाद हजरत अली व सलातो व सलाम का जमाना आया तो आपने उस अमल के रिवाज को बंद कर दिया, क्योंकि हजरत अली अलैहि सलाम के जमाने में वही हुकूमत दौरे हुकूमत था जो रसूल खुदा के जमाने में था। तो ये सवाल, क्या तरावी हजरत अली अलैह सलाम के दौरे हुकूमत में थी? नहीं थी, क्योंकि जमाने रसूल खुदा में नहीं थी। और क्या हुसैन पर गिरा रसूल खुदा के जमाने में था? हाँ था, मैं कहता हूं, क्योंकि रिवायत जिसमें रसूल खुदा ने अपनी बेटी से गुफ्तगू करके शहादत इमाम हुसैन की खबर दी और आपकी बेटी ने फरमाया कि बाबा जब आप मौजूद नहीं होंगे, मैं मौजूद नहीं होंगी, अली मौजूद नहीं होंगे, तो मेरे बेटे पर कौन रोएगा? तब आपने कहा कि खुदा एक कौम पैदा करेगा। तो आप समझिए कि मजलिस का वजूद जमाने रसूल खुदा भी मौजूद में भी मौजूद है और जमाने अली अलैहिस्सलाम में भी। जब दोनों जमानों में इमाम हुसैन पर गिरा हुसैन का गम और हुसैन की मोहब्बत का वजूद है, तो किसी ऐसे अमल की मुमासिलत यानी कि मिसाल ये कहें कि इक्विवेलेंट दिखाना, ये कैसे किया जा सकता है? कैसे किस तरीके से ये कैसे जायज है? सीधी बात यह है कि जमाने रसूल खुदा में तरावी नहीं था और जमाने अली अलैहि सलाम में तरावी नहीं था। नमाज तरावी मस्जिद की तरह नहीं है, मस्जिद अपनी जगह है, नमाज तरावी अपनी जगह, तरावी और मस्जिद दोनों ही तिलावत कलाम इलाही हैं। तो मेरे बात सिर्फ इतनी सी है कि मौलाना साहब को हक की बात करनी चाहिए, पर तरावी पढ़ी जाए और मस्जिद पढ़ी जाए और दोनों का वक्त एक हो तो रसूल खुदा तरावी को बंद करा देंगे, हजरत इमाम अली तरावी को बंद करा देंगे और दोनों मजलिस में शरीक होंगे। अब आप समझें कि तरावी और मजलिस में नबी रसूल हजरत मोहम्मद साहब भी मजलिस को ज्यादा अहमियत देते हैं, वही हजरत इमाम अली के लिए भी मजलिस की अहमियत ज्यादा है। फिर मैं ये कहूंगा कि दोनों ही तिलावत कलाम इलाही पर दोनों की मुसालियत नहीं की जा सकती। आगे मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर इस रिवायत पर यकीन है कि जनाबे फातिमा जहरा सलामुल्लाह अलैह दौरान मस्जिद से मौजूद रहती हैं, अब समझिए कि जिसे भी इस रिवायत पर यकीन है वो खुद ब खुद समझ जाएगा कि तरावी में जनाबे जहरा के आने की रिवायत कहीं नहीं मिलती। तो आप समझिए कि वजूद हकीकत और अजमत आप समझने की बात है कि हकीकत और अजमत तीनों चीजें अलग हैं। वजूद हकीकत और अजमत तीनों चीजें अलग हैं और जब चीजें अलग हो तो मुमालियत नहीं दी जा सकती, मुमासिलत नहीं दी जा सकती। माजरत चाहूंगा, उर्दू मेरी जुबान नहीं है। तो वो हर वो नहीं दी जा सकती। तो जो भी वो शख्स काला इमामा पहनकर
खुद को औलाद रसूल दिखा रहा है वो ये कैसे बोल सकता है? रहा हदीये का सवाल, तो जहां तक मुझे मालूम है कि हिंदुस्तान में 8 करोड़ शिया मुसलमान हैं, और ज्यादातर जो बड़े प्रोग्राम होते हैं उसमें मौला के कर्म से मुझे बुलाया जाता है। इमाम हुसैन की रहमत है कि मुझे आशुरे के रोज मातम में पूरी शिद्दत से शामिल रहता हूं और शाह वाला मेरे खून का पुरसा कबूल करते हैं। और हदीये के बारे में मुझे जो मालूम है कि शायद ही कोई तय करके जाता है। जितने भी बड़े उलेमाओं को मैं जानता हूं, जितने भी बड़े उलेमा हिंदुस्तान के हैं जिनको मैं जानता हूं, जिनसे मेरे ताल्लुकात हैं, जिनसे मेरे संबंध हैं, मैं बड़ी जिम्मेदारी से इस बात को कह सकता हूं कि उनमें से कोई भी हदिया तय नहीं करता, ना ही डिमांड करता है। उन्हें जो मिलता है ये बात दीगर है कि कौन क्या लेता है। और जहां तक मेरा अपना मामला है,